वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्टर 88 के बारे में, जो कि न्यू गुड़गांव के अंदर है और पूरा कमर्शियल सेक्टर है और उसके अंदर काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने से पहले उस सेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पहले उस सेक्टर को समझते हैं, उसका थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि वो सेक्टर एक्चुअल में क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। जैसे अभी आपने बताया कि सेक्टर 88 में कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन उससे पहले सेक्टर 88 है क्या? हम सभी जानते हैं सेक्टर 88 जो है ये पार्ट है न्यू गुड़गांव का, और न्यू गुड़गांव को अगर हम डिवाइड करते हैं सेक्टर के अकॉर्डिंग तो सेक्टर 81 से सेक्टर 95 यहाँ तक न्यू गुड़गांव में इस पूरे बेल्ट को काउंट किया जाता है। पूरे न्यू गुड़गांव में जो सेक्टर 81 से लेके 95 के बीच में है, इसमें इकलौता सेक्टर 88 कमर्शियल सेक्टर है। अगर एक सेक्टर को देखते हैं कि कितने एकड़ का एक सेक्टर होता है, तो 200 एकड़ का एक सेक्टर जो है वो माना जाता है। जो सेक्टर 88 है, ये आने वाले समय में सिर्फ न्यू गुड़गांव का ही नहीं, पूरे गुड़गांव का ही जो देखने का क्राइटेरिया है वो चेंज कर देगा। क्योंकि जैसे गुड़गांव को हम क्यों बहुत बड़े रूप में देख रहे हैं, जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाई है ग्लोबल सिटी के लिए, इसी तरीके से विजन सिटी भी आ रही है। अच्छा। जो सेक्टर 88 में आ रही है, और ये जैसे पूरा 200 एकड़ का सेक्टर है, तो इसमें ऑलमोस्ट 120 एकड़ में जो आपकी है वो विजन सिटी बनेगी। इसमें कुछ लैंड या ज्यादातर लैंड इसके बाद से वो डीएलएफ के पास है, इसके बाद से कुछ लैंड एएमबी बिल्डर के पास है। तो इन्हीं बिल्डरों से अदर बिल्डर्स जो हैं लैंड परचेज करेंगे, या जैसे एक लैंडमार्क एक बिल्डर है उनके पास भी अपने पर्सनल लैंड है। इन बिल्डरों ने जो नए बिल्डर्स आएंगे वो डीएलएफ या एएमबी से लैंड परचेज करेंगे, जिनके पास अपने सेल्फ लैंड पार्सल है जैसे लैंडमार्क का। तो इस तरीके से अलग अलग बिल्डर्स यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करते आएंगे। लेकिन अभी प्रोजेक्ट के बारे में हम बाद में जानते हैं। सेक्टर 88 में और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस सेक्टर को हर तरफ से एक यूनिक सेक्टर बनाती हैं? तो किसी भी सेक्टर में अगर वहाँ पे कमर्शियल हब बन रहा है तो उसकी कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल वो बहुत मायने रखेगी। हाँ। तो जैसे आप भी जानते होंगे कि सेक्टर 88 बैंगोन द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के पास है, और ये जो है पटौदी रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी है, जिसको नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया है, और ये 84 मीटर वाइड रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी है। यहाँ पर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर रोड भी जा रहा है जो 135 मीटर वाइड है। अच्छा। तो चार चार तरह के रोडों की कनेक्टिविटी है इसके पास, तो अपने आप यहाँ पर हर जो सेक्टर के लोग हैं उनके लिए ये इजी टू एसेस हो जाएगा। कनेक्टिविटी के तौर पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्टर को हम मतलब मान सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना सेक्टर 88 के बारे में, थोड़ा ओवरव्यू जाना, ब्रीफ में जाना कि सेक्टर 88 क्या है और इसमें कौन कौन से डेवलपर्स आने वाले हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं कि इसके आसपास जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उसका सेक्टर 88 को क्या बेनिफिट मिलेगा, और सेक्टर 88 का इसके आसपास के सेक्टर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि न्यू गुड़गांव में जो सारे सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट वो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, और 88 इकलौता जो है वो कमर्शियल सेक्टर है। अगर हम इसके आसपास के सेक्टर की बात करते हैं, तो आपके सेक्टर 89, 84, 83, ये सारे सेक्टर 82, 85, ये सब रेजिडेंशियल बेल्ट है। तो ये लोग भी जब ये प्रॉपर एक कमर्शियल हब में बन जाएगा, तो ये रेजिडेंशियल बेल्ट वाले इनको जो है एसेस इजीली कर पाएंगे, बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वहाँ पे तो सफायर मॉल भी है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे रीच भी है। तो एक गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर के तौर पर डेवलप हो रहा है, तो उनके भी पर्सनल कमर्शियल कुछ हब दिए जाते हैं। अच्छा। कुछ एरिया जो है वो डिफाइन किया जाता है। अगर वहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, टाउनशिप हैं, तो उनके पास भी मॉल्स वगैरह होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन ये जो सेक्टर 88 है, इस पूरे 200 एकड़ के सेक्टर में कोई रेजिडेंशियल बेल्ट नहीं आएगा। अच्छा। तो इस वजह से इसे कमर्शियल सेक्टर कहा जा रहा है। तो जैसे 88 जो है वो प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर है, इसके आसपास चारों तरफ से ये रेजिडेंशियल जो सेक्टर से है वो घिरा हुआ है, बिल्कुल। अगर ये प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर है, तो इसमें मॉल्स ही नहीं और भी कई तरह की चीजें आएंगी, होटल्स आएंगे। हाँ। और भी जो कमर्शियल हब्स होते हैं जिनमें कई जैसे रेस्टोरेंट्स हो जाएंगे, 5-स्टार होटल्स हो जाएंगे, ऑफिस सेक्टर हो जाएंगे, तो जो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं उनके भी कुछ ऑफिस शायद यहाँ पर खुलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि
डीएलएफ की यहाँ पे लैंड पार्सल है, सो वो आईटी सेक्टर बनाने के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो हो सकता है वो यहाँ पे भी अपना कोई आईटी ब्लॉक लेकर आए। ये चीजें अभी फ्यूचर में क्या क्या चीजें डेवलप होंगी वो आगे जो है वो देखा जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो इसके आसपास के रेजिडेंशियल बेल्ट हैं उनके लिए इस सेक्टर का। और अगर रेजिडेंशियल सेक्टर्स आसपास इतने ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिक एक कमर्शियल सेक्टर को चलाने के लिए वो रेजिडेंशियल जो बेल्ट है वो बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो 88 खुद चल जाएगा क्योंकि इसके आसपास रेजिडेंशियल सेक्टर है, और रेजिडेंशियल सेक्टर खुद 88 में आएंगे क्योंकि उन्हें फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसी एक सेक्टर में जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर और भी हम बेनिफिट की बात देखते हैं कि ये न्यू गुड़गांव में आ रहा है, सो अगर कोई न्यू गुड़गांव के मैप को साथ में लेकर बैठा हो या वो मैप हम अभी स्क्रीन पे लगा भी देंगे, तो न्यू गुड़गांव के पास ही 96, 97 और 98 जो न्यू गुड़गांव का ही पार्ट है, तो ये जो है ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हब जो है उसके तरीके से इसे पूरा डेवलप किया जाएगा। आने वाले समय में यहाँ रेलवे स्टेशन बन जाएंगे, यहाँ बस स्टॉप बनेंगे, पार्किंग का एक बहुत बड़ा लॉट दिया जाएगा, टेलीफोन एक्सचेंज बनेगा, और फिर जस्ट इन 96, 97 और 98 सेक्टर के बगल में ही 3 स्पेशल्स जो है वो हब बनाए जाएंगे। आप इन्हें इंटरटेनमेंट हब या स्पेशल जोन के रूप में जो है भी नाम दिया गया, हो सकता है बाद में इनके नाम चेंज हो, तो ये है H5, H6 और H7। तो हो सकता है यहाँ पर लोगों को ऐसे ऐसे स्कूल्स और इंस्टीट्यूट खुले जहाँ पे आप ड्रामा सीख सकते हैं, बिल्कुल, तो ये चीजें भी बहुत इजी हो जाएंगी। और यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड जो है वो पार्क बनेंगे, तो जो ट्रेडिंग ऑप्शंस हैं वो बहुत इजी हो जाएगा, और फिर साथ ही साथ यहाँ फैशन हब भी बनेगा। जैसे जो मेट्रो सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो आज की हमारी यूथ है वो फैशन इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा ज्यादा ही अपना रुख ले रही है, तो उस चीज को ध्यान में देखते हुए भी यहाँ पर एक फैशन हब भी वो डेवलप किया जा रहा है। तो इतनी ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस सेक्टर को अपने आप में यूनिक बना रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली व्यक्ति इसके बारे में ऐसे सोचते नहीं है, शायद ये भी किसी को पता भी नहीं होगा कि ये चीजें इसके आसपास हैं। और बहुत ज्यादा अगर हम दूर न भी जाएं तो सेक्टर 75A और 74 ये आईटी पार्क के रूप में डीएलएफ इसे डेवलप कर रहा है। अच्छा। तो अगर लोग वहां से निकलते भी होंगे तो ऑलरेडी वहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस, डीएलएफ का खुद का कॉर्पोरेट ग्रीन और टीसीएस की बिल्डिंग वो ऑपरेशनल ऑलरेडी, और ये दोनों सेक्टर 400 एकड़ में है। अच्छा। तो वो पूरा आईटी पार्क यानी साइबर सिटी के रूप में वो पूरा सेक्टर डेवलप किया जाएगा। अच्छा। तो एक सेक्टर 88 जो कमर्शियल सेक्टर है उसके आसपास इतनी बड़ी बड़ी अदर चीजें जो हैं वो डेवलप होंगी, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे कि ऑलरेडी ये जो पूरा बेल्ट है ये अपने आप में बूम कर जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट। तो अभी तक हमने सेक्टर 88 के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब एक जो मेजर क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर्स के माइंड में, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में भी चीज आ रही होगी कि सेक्टर 82 में आपका ऐलान का एक बहुत बड़ा मॉल आ रहा है, उनका 5-स्टार होटल भी आ रहा है, और प्लस सेक्टर 88 जो है वो पूरी तरह कमर्शियली डेवलप हो रहा है। तो अब सवाल आता है मन में कि 82 में इतना बड़ा मॉल आ रहा है तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेक्टर 88 पे, या फिर सेक्टर 88 का जो कमर्शियल अच्छा चलेगा, या फिर ऐलान का जो 82 का मॉल है वो सही चलेगा या फिर वो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि सेक्टर 88 पूरा कमर्शियल सेक्टर है। तो इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी देखते हैं कि क्या इसका सिनेरियो रहने वाला है। देखिए, जो आपने अभी ऐलान के मॉल की बात की जो वहां बन के वो रेडी हो चुका है, सो बेसिक प्रॉब्लम किसी को किसी से आने वाली नहीं है अभी अगर हम देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या है वो प्रॉब्लम इस हिसाब से आएगी कि अगर ऐलान ने लीजिंग राइट अपने पास रखी होगी वो अभी हमें क्लियर नहीं है, सो अगर उन्होंने वहां पे लीज कर दिया तो अगर कोई बिल्डर अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ खुद जुड़ जाता है तो वो चाहे वो मॉल हो या वो हाई स्ट्रीट रिटेल हो वो उसे चलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात। और अगर आप बात करते हो सेक्टर 88 में जो दो नए बिल्डर्स अभी आ रहे हैं, एक AIPL अपना वो हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहा है, और दूसरा जो है वो लैंडमार्क जो है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहा है, लेकिन वो प्लस ऑफिस स्पेस भी लेकर आ रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ऐलान का
जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, क्योंकि वो मॉल फॉर्म में बना हुआ है, बिल्कुल एक्सेक्टली, तो वो 30 से 34 रुपए पर स्क्वायर फिट में वो जाएगा, तो वो अल्टीमेटली ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत होगा तो 8 से 10 रुपए। तो अगर हम यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी हाई स्ट्रीट रिटेल में मेंटेनेंस बहुत कम होती है, इंस्टेड ऑफ जो मॉल कल्चर आजकल है और जो फ्लॉप भी हो रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि मेंटेनेंस बहुत हाई है। किसी भी बिल्डर ने उसमें लीजिंग जो है वो उस तरीके से की नहीं, तो वहां पर सेल्फ आप अपनी कोई भी दुकान खुद आप लीज नहीं करवा सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम सेल्फ लीज करवाएंगे या कोई भी हमारे इन्वेस्टर हैं जिनकी शॉप वहां पर होगी, तो अगर उन्हें सेल्फ लीज करवाना होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ अपने आसपास के कई लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि कोई भी ब्रांड आता है तो उसको 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे पूरे प्लेट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस उसको ज्यादा बहुत स्पेस है, जैसे बीकानेर है, हल्दीराम है, या आपका पेंटालून है, कोई भी है, तो इन्हें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिर्फ बिल्डर बात कर सकते हैं, वो भी तब जब उनके पास लीजिंग राइट हो। हाँ, तो कई लोगों के इस तरह से कई क्वेश्चंस आते हैं, मॉल वो भी चलेगा शायद थोड़ा स्लो चले, और या तो बिल्डर को ऐसा लगे कि मुझे लीजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि लीजिंग करना अगर आप कमर्शियल में जा रहे हैं तो आपको वही प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, मतलब ये सबकी अपनी अपनी जो है वो चॉइस होती है, लेकिन एज अ रियल एस्टेट हम कंसल्टेंट के रूप में ये बात कह सकते हैं कि जो लीजिंग राइट अपने पास रखें आप उनके साथ जाइए और वहां पर अपने लिए शॉप जो है वहां से आप लीजिए, क्योंकि भले देर हो लेकिन वो आपकी शॉप को लीज कर देंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मॉल्स बन गए हैं लेकिन वो खड़े हैं, खाली पड़े हुए हैं, वो पूरी तरीके से खाली पड़े हुए, मॉल का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, लोकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मॉल चल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि बिल्डर ने लीजिंग राइट अपने पास नहीं रखी, या कस्टमर को ऐसा लगा जी मेरी शॉप है मैं उठा लूंगा। तो अगर आप खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई अच्छी फ्रेंचाइजी है, तब तो आप अपना मॉल चला सकते हैं, लेकिन कब तक चलाएंगे? पूरा मॉल खाली, पूरे मॉल में आपने एक पिज्जा हट खोल दिया, कब तक आप चल पाओगे? तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, अगर आप कमर्शियल में जा रहे हैं आपको एक अच्छी R&D करनी पड़ेगी, आपको उस बिल्डर को चूज करना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो लीजिंग करने, बिल्कुल, आपको जो उन्होंने पिछली जितनी भी कमर्शियल जो है वो पोजीशन में दे दी है, आपको जाकर देखना पड़ेगा कि उनकी लीजिंग राइट हुई है या नहीं हुई है, वहां पर ब्रांड्स आए हैं या नहीं आए हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं देखेंगे तब तक लोग परेशान रहेंगे, बिल्कुल। हाँ। और लीजिंग सबसे इम्पोर्टेंट वैसे भी, क्योंकि लास्ट पिछले वीडियोस में हमने बनाया कमर्शियल के ऊपर, तो उसमें भी आपको बताया कि लीजिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है कमर्शियल के अंदर। अब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, पता चले कि लीजिंग राइट तो बिल्डर के पास है ही नहीं, आप उसने आपको बेच के निकल गया, फिर आप क्या करोगे? फिर तो जैसा आपको कोई भी कस्टमर मिलेगा, कोई भी टेनेंट मिलेगा, आप उसको अपनी शॉप दे दोगे। तो लीजिंग देखना बहुत ज़रूरी है, और साथ में ड्यूरेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है, कितने टाइम पीरियड के अंदर बिल्डर जो लीजिंग आपको करके दे रहा है शॉप, मैक्सिमम 2 साल तक से ज्यादा अगर जाता है तो फिर वो दुकान खाली रहेगी, उसमें कोई नहीं आने वाला। हाँ, तो जैसे अभी मैंने बताया ये लीजिंग राइट वाला जो मैंने बताया कि बिल्डर्स को अपने पास रखना चाहिए, तो 88 में आने वाले समय में बहुत से बिल्डर्स आएंगे। अभी फिलहाल 2 बिल्डर्स ने अपने सॉफ्ट लॉन्च किए हैं जो अपना कमर्शियल हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहा है। एक तो AIPL है जो ऑलरेडी जिसका 30 साल से वो इस बिजनेस में है, तो बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है। ऑलमोस्ट अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो कोविड के वक्त इन्होंने जॉय स्ट्रीट जैसा जो मॉल है वो बनाया और लीज कर दिया। तो कोविड में लीज करना, ये मतलब अगर देखा जाए तो गुड़गांव में अब टॉप 5 से 6 मॉल्स में इसकी गिनती हो रही है। कुछ अप एंड डाउन्स, किसी को कोई बिल्डर नहीं अच्छा लगता या अच्छा लगता है, ये सबकी अपनी पर्सनल च्वाइस होती है। तो ये 10.5 एकड़ के लैंड पार्सल में अपना ये पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अभी जो सुनने में आया है वो 40,000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग एक ग्राउंड फ्लोर पे अपनी शॉप जो है वो सेल करेंगे, लीजिंग राइट ही अपने पास रखेंगे। इनके ही कॉन्सेप्ट पे लैंडमार्क जो है वो भी हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहा है, ये भी लीजिंग राइट अपने पास रखेंगे। अराउंड 3 एकड़ के आसपास इनका भी ये हाई स्ट्रीट रिटेल बनेगा। तो 2 अच्छे बिल्डर्स हैं, सॉफ्ट लॉन्च में लेकर आ रहे हैं। लैंडमार्क का जो प्राइस है वो AIPL से कम होगा क्योंकि उनका लैंड पार्सल खुद का है और AIPL ने शायद बाय किया है AMB या किससे भी, अभी पूरी तरीके से बात क्लियर नहीं है। तो जो लैंडमार्क का है वो ग्राउंड फ्लोर अराउंड 27,000 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से वो सेल करेंगे। तो ये 2 अच्छे ऑप्शन हैं। रेरा भी नहीं आया है तो सॉफ्ट लॉन्च में है, लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि लीजिंग राइट अच्छी होगी तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी आएगी।